اخي كلاو بليت ليش تاجي كلاو لك داس بليت تبقى مو قواشو دام ليش كي अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। तो कल का व्लॉग मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था उसके बाद मैंने दोबारा व्लॉग स्टार्ट किया है। क्यों अभी मैं आपके साथ ये सेपरेट शेयर कर रही हूँ वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक्चुअली यहाँ पे मैं आजकल बहुत ही कम आती हूँ, लेकिन उस्मान ने शर्ट्स ली थी तो उनका साइज़ जो है ना वो ठीक नहीं था, तो वो काफ़ी दिन हो गए थे, इवन के महीना गुजर गया था। तो मैंने उस्मान को कहा कि पैसे ज़ाया हो जाएंगे, चलते हैं और इनका साइज़ चेंज करा लेते हैं। रिटर्न तो नहीं करानी थी हमने, जो है वो चेंज करानी थी। तो वो उस्मान गए थे उनसे बात करने के लिए काउंटर पर, तो मैंने कहा चलो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और मैं जो है ना वो आके अपने जो कुकिंग का बर्तनों का क्रॉकरी का बल्कि सेक्शन होता है वो देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई और बड़ी अच्छी सेल्स भी लगी हुई थी बर्तनों पे, लेकिन मुझे ना कुछ जो चाहिए थे पॉट्स और कुछ चीज़ें तो वही मैं देख रही थी, लेकिन मुझे जो चाहिए थे वो मुझे ऐसे मिले नहीं। तो खैर मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने उनसे बात कर ली थी तो उन्होंने कहा आप चेंज करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें थी जो कि हमने उनको शो करा दी थी। तो अभी हम ऊपर आए थे और यहाँ पे जो कपड़ों का सेक्शन होता है ना, जितने भी होते हैं, तो वहाँ पे उस्मान जो है वो अब जा रहे थे देखने के लिए, तो वो अपने साइज़ की शर्ट्स ले लेंगे और मैं बस ऐसे ही नज़र डाल रही थी कि देख लेती हूँ शायद कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। आज ना मैंने फ्रोज़न ली हैं कुछ चीज़ें, मेरे हाथ में उस्मान की जैकेट है तो मैंने कुछ फ्रोज़न चीज़ें ली हैं, आपको मैं यहीं पे दिखा देती हूँ। और एक दो चीज़ें जो है ना वो नई ली हैं। एक मिनट उस्मान को जैकेट दे दो, उस्मान ये ले ले, ये लेना, अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारा सामान है जो कि मैंने लिया है, पत्ती ली है और उसके साथ ये लिए हैं, ये जो है ना ये दोनों मैंने ले लिए हैं। अच्छा उसके साथ ना मैंने ये लिए हैं, ये 5.5 pound का आई थिंक है, चिकन का 1 kg का पैक है। और उसके अलावा एक और चीज़ लिया मैंने, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, अच्छे तो लग रहे हैं शूज़, ये लिए मैंने। और बाकी वही रोज़मर्रा की जो ग्रॉसरी होती है, और उस्मान की शर्ट्स जो हैं इनका साइज़ चेंज कराना था, और राइस लिए हैं और प्याज सब्ज़ियाँ, बस यही चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ से। तो मैंने कहा चलो यहीं पे आपको दिखा देती हूँ। कबाब भी मैंने लिए, मेरा बहुत दिल चाह रहा था सीख कबाब खाने को, तो ये भी मैंने ले लिए। तो ये है जी चीज़ें, और एक दो और चीज़ें लेनी हैं, बाकी कुछ नीचे सब्ज़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, बस ये लिए हैं। चीनी वगैरह भी ले ली है, वगैरह नहीं चीनी ली है। हम लोग अभी खाना खाने आए हैं और तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है खैबर पास पे आए। अगर ये कुलाव प्लेट नहीं था जी, कुलाव अल्लाह का दास प्लेट तो बहुत मुंगा वाचो दम लिख के। अरे तो इन्होंने चटनी वगैरह भी नहीं खाने तो देते हैं जी। यो डियर चटनी नहीं मैं तो। अच्छा जी, तो यहाँ पे आज हम आए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ मैं आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस गया। आप सबसे पहले तो देखें कबाब का साइज़ बहुत छोटा है और ये इंतहाई स्पाइसी था, और
यहाँ पे जो स्पेशल हम आए थे, हमने कहा चलो रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई मंगवा लेते हैं। बल्कि उस्मान ने बहुत ज़िद की थी, मैं तो उन्हें कह रही थी घर चलते हैं, ठंड बहुत है, बारिश हो रही है, घर चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आए हुए हैं तो चलो अपना फेवरेट खाना खा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सर्विस के एक्स्ट्रा चार्ज किए थे लेकिन कुछ भी नहीं दिया। चटनी भी इन्होंने मांगने पे हमें दी, हालांकि पिछली बार इन्होंने चटनियाँ साथ सर्व की थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो कढ़ाई मंगवाई थी ना, आप कभी भी शिनवारी खाते हैं, लाहौरी कढ़ाई, बलोची कढ़ाई, जितने भी टाइप की आप खा लेते हैं, तो उन सब का ना टेस्ट डिफरेंट होता है। आज जो हमने मंगवाई तो मटन जो है वो बिल्कुल ही बॉयल्ड टेस्ट आ रहा था, बिल्कुल जो फीका टेस्ट आता है, और प्याज टमाटर का मसाला जो है वो बिल्कुल सेपरेट था। ऐसे लग रहा था दोनों को बॉयल किया सेपरेट, फिर मिक्स करके दे दिया, और बिल्कुल ही कच्चा सा टेस्ट आ रहा था। आपको यहाँ पे लग रहा होगा, देखने में तो जाहिर है अट्रैक्शन लगती है, अट्रैक्टिव लग रहा होता है, आपको लग रहा होगा कि बहुत मज़े के है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमने 2-3 निवाले लेके छोड़ दिए, उस्मान ने तो बस यही आपके सामने जो वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ यही खाया। उसके बाद हमने उन्हें कहा कि आप प्लीज़ इसको जो है ना थोड़ा पका के दे दें, बिल्कुल कच्चा टेस्ट आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पका हुआ है, देखें ऑयल निकला हुआ है तो ये फुल कुक्ड है। तो मैं और उस्मान एक दूसरे का मुँह देखने लग गए, हमने कहा ये क्या। तो फिर उस्मान ने कहा मैं तो नहीं खा रहा, तो फिर मैंने कहा चलें पैक करा लेते हैं। हमने 2-3 निवाले खा के पैक करा लिया, और मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखें आपने सर्विस चार्जेस भी लिए हैं, पानी तक आपने नहीं दिया, आपने चटनी कुछ भी नहीं दिया, हम खुद ही मुंह से मांग मांग के ले रहे थे। दूसरा ये कि चलो ये चीज़ें भी छोड़ें, आप जो खाने जाते हैं कम से कम टेस्ट तो अच्छा होना चाहिए। ऐसे लग रहा है कच्चा बस मिक्स करके, और 5 मिनट में कढ़ाई जो है वो उन्होंने ला के हमारी टेबल पर रख दी। मुझे उस्मान ने कहा इतने जल्दी कढ़ाई कैसे रेडी हो गई, मैंने कहा पता नहीं इतने जल्दी कैसे रेडी हो गई। और फिर जब खाया तो इतना कच्चा सा अजीब सा टेस्ट आ रहा था, बल्कि कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था प्याज टमाटर अलग बॉयल किए हुए, ऑयल जो है वो अलग डाला हुआ है, और बिल्कुल उबला हुआ जो मटन है वो अलग डाला हुआ है, और मिक्स करके हमें डाल के दे दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और फिर हम घर आ गए पैक करा के। अब उस्मान को मैंने दवाइयाँ देनी थी, एंटीबायोटिक्स आज से शुरू करनी थी, तो मैंने फिर उनकी बड़ी मिन्नत की, तरले किए, मैंने कहा आप प्लीज़ कुछ खा लें। लेकिन उनका मूड ही ऑफ हो गया, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाता। मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको ना ये पका के देती हूँ दोबारा, तो मैं इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ, फिर इसको दम पे पानी डाल के रख लूँगी, थोड़ा सा पतला कर दूँगी, फिर आप प्लीज़ नान के साथ खा लें। तो आप ये देख सकते हैं सारा हम लेकर आ गए थे, और नान जो है हमने 1-2 एक्स्ट्रा पैक करा लिए थे, और कबाब उस्मान ने फिर मेरे लिए एक जो है वो एक्स्ट्रा पैक करा लिया था। खैर मैंने तो वही थोड़ा बहुत खाया था, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था। ऐसा होता है ना, आप इतने शौक से जाएँ और आपको वो जगह भी पसंद हो, लेकिन फिर जब आप जाएँ और इतना बैड एक्सपीरियंस हो। फिर हम उनको बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज़ इसको हमें थोड़ा सा पका के दे दें, तो वो कह रहे थे नहीं ये ठीक ऐसे ही होता है। तो खैर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि पता नहीं जैसे ही बिज़नेस चलना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, क्यों ऐसे हो जाते हैं। इवन कि हमारा तो ऐसे दिल उठ गया आज, हालांकि इनका काबली पुलाव बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की। तो मुझे इसी चीज़ का अफसोस हो रहा था कि थोड़ा सा आपका बिज़नेस चलता है, कोई भी रेस्टोरेंट्स, फूड्स के जो कैफ़ेज़ होते हैं, कुछ भी ऐसे चलता है, कुछ भी इवन के, पता नहीं क्वालिटी क्यों ये लोग ऐसे कर देते हैं, सर्विस भी बिल्कुल ही ऐसे हो जाती है। तो मैं आपके साथ कभी भी गलत रिव्यूज़ शेयर नहीं करती। खैर ये फिर मैंने उस्मान को दिए और उन्होंने थोड़ा सा ये खा के और फिर अपनी मेडिसन्स जो हैं वो ली थी। अच्छा जी, तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, धूप जो है ना वो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी निकली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चले वीडियो का मैंने एंड नहीं किया था, वीडियो का एंड कर देते हैं। और कल का जो एक्सपीरियंस है ना वो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, और मुझे तब भी सबने कहा था कि किसी ने कहा था अच्छा रहा, किसी ने कहा नहीं अच्छा रहा, इस तरह से काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि जब आपका बिजनेस या कुछ भी ऐसा चलने लग जाता है तो पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। और मैं आपके साथ हमेशा कोशिश करती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके साथ झूठ बोलूँ या इस तरह से कोई भी बात करूँ। तो जो भी मेरा उस टाइम का एक्सपीरियंस होता है वो मैं शेयर करती हूँ, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग का होता है, चाहे वो खाने पीने के रिव्यूज़ होते हैं, कोई भी रिव्यू होता है। ये मैंने अभी लोशन लगाया हाथ में, मैंने लिया हुआ है। तो इसलिए खैर यहाँ पे थोड़ा अफसोस इसलिए ज़्यादा होता है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बड़ा अफसोस होता है। तो खैर अल्लाह ताला खैर करेगा। और धूप आज बड़ी अच्छी निकली हुई है, अभी सुबह को रात से जो है ना हमारा फिर -6 पे टेम्परेचर था, और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मुझे पता कब चलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, जो मेरे सर में ठंड लगना शुरू हो जाए और मुझे फील होने लग जाए कि अब मुझे कैप जो है ना वो पहन लेनी चाहिए, जो गर्म टोपी होती है, तो वो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि सर में
इतनी ज्यादा घुसती है जितनी भी घर में हीटिंग हो कुछ भी, लेकिन मुझे सर में जब फील होना स्टार्ट होती है ना, और स्पेशली अब रात को तो हीटिंग बंद कर देते हो, तो मैं सोई होती हूँ तो मुझे नींद में एकदम से मैं उठ जाती हूँ, मेरे सर में ठंड लग रही होती है। तो मैं उठी तो मुझे उसी वक्त ही लगा कि आज ठंड ज्यादा है, फिर मैंने मोबाइल में देखा तो -6 था, इवन के सुबह को 7:30 बजे भी -6 हुआ हुआ था टेम्परेचर। तो पिछले दिन बड़े अच्छे गुजरे, रात को वैसे स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड थी, वेदर में आ रहा था, लेकिन मैंने एक दो बार देखा बाहर तो कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रही थी स्नोफॉल ऐसी। तो खैर चले, वीडियो कमेंट करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप वीडियो छोटी क्यों बनाती हैं। एक्चुअली वीडियो मैं इसलिए छोटी बनाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना इतना कीमती टाइम निकालते हैं, रोजाना आते हैं, देखते हैं, तो छोटी होनी चाहिए और आप लोग इंजॉय करें, आप लोग देखें, आपको अच्छी लगे, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बहुत लंबी ना हो कि आप बोर हो जाएं, यही एक रीज़न होता है। और मुझे डेली कोई ना कोई कमेंट्स आता है वीडियो थोड़ी लंबी बनाया करें, तो कभी कभी लंबी भी शेयर कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो मैं कोशिश करती हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो है ना वो अपनी वीडियो रखूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करती हूँ। उस्मान जो है वो स्टडी कर रहे हैं अभी, मैंने कहा मैं यहाँ पे आके बात कर लूँ क्योंकि वहाँ पे फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, बस मैं अब वीडियो एडिट करती हूँ, ब्लॉग एडिट करती हूँ ताकि रात को आप जो है वो ये ब्लॉग देख लें। तो इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।